Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning 4th standard maths. Today we are going to continue our worksheet. In previous video we learned worksheet number 1st. In today we are going to learn worksheet number 2. Okay, competency, ability to compute. See, so question number 1st is that multiply the following by split method. अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है लेकिन स्प्लिट मेथड. अब आपको पता है या नहीं स्प्लिट मेथड? स्प्लिट मेथड यानी क्या करना है, हमें जो भी टू नंबर्स गिवन रहे थे मल्टीप्लीकेशन में उन दोनों को भी हमें स्प्लिट करना है और अलग अलग करके उनको मल्टीप्लाई करना है और उन सभी की जो वैल्यू आती उनको मल्टीप्लाई करके जो सॉरी ऐड करके जो नंबर आएगा वो हमें आंसर आएगा. सो देखो ए वाला है 25 इंटू 98, उसको हम स्प्लिट करेंगे. कैसे देखो, स्प्लिट करने के लिए इस तरह का बॉक्स स्टार्टिंग में ड्रॉ करो. अब देखो इस साइड से एक नंबर लिखो, उसको स्प्लिट करके देखो 25 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं 20 प्लस 5. तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 5. अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नेक्स्ट नंबर है 98, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 90 प्लस 8. ओके, तो अब देखो यहाँ पे आपको 90 लिखना होगा, यहाँ पे 8 लिखना होगा. अब हमें क्या करना होगा, देखो यहां पे 90 है यहां पे 20 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होगा. क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 0 0 सेम रहेगा और 9 2 18 यह आ गया इनका मल्टीप्लीकेशन. किन किन का, 90 इंटू 20 इज इक्वल टू 1800. अब देखो यहाँ पे क्या आएगा इस बॉक्स में, 90 इंटू 5 क्या आएगा, 0 एज इट इज, 9 5 40 5 ये आ गया इसका आंसर. अब इस बॉक्स में देखो यहाँ पे 8 है और इस साइड से 20 है, सो हमें क्या करना है, 20 इंटू 8 आंसर क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन, 0 8 0 0 8 2 16 160. एंड लास्ट बॉक्स में देखो यहाँ पे 8 है यहाँ पे 5 है, सो 5 इंटू 8 क्या आएगा आंसर, 8 5 4 0 40. अब हमें क्या करना है, ये जो टोटल मल्टीप्लीकेशन आ गई 4 बॉक्स में उनको ऐड करना है. कैसे देखो, 1800 प्लस 450 प्लस 1 60 प्लस 4 0 40. देखो 0 0 0 0 0 आ गया, 0 प्लस 5 5 5 प्लस 6 11 11 और 4 15 15 का 5 यहाँ 1 कैरी, 1 और 8 9 9 और 4 13 13 और 1 14 14 में के 4 यहाँ पे 1 कैरी, 1 और 1 2. सो फाइनल आंसर विल बी 2450. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन बी, 28 इंटू 75. अब देखो दोनों भी नंबर को हमें स्प्लिट करना है. 28 को कैसे लिखोगे, 20 प्लस 8 और 75 को
75 को कैसे लिखोगे, 70 प्लस 5। अब स्प्लिट करना है इनको और मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखो 28, 75, 28, 75, ओके। अब देखो यहाँ पे 20 इंटू 70, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, 0072 14, आंसर क्या आया, 1400। अब यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 8 है, दैट इज क्या आएगा, 8 इंटू 70, आंसर क्या आएगा, 0800 87 56, क्या आया आंसर, 560। उसके बाद यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है, 20 इंटू 5, आंसर क्या आएगा, 500 52 10, सो आंसर इज 100। 8 इंटू यहाँ पे 5 है इज इक्वल टू 8 5 40, क्या आया आंसर, 40। अब हमें क्या करना है, इन चारों को ऐड करना है, चारों को यानी 4 आंसर्स को। सो 1400 प्लस 560 प्लस 100 प्लस 40, ओके। अब देखो क्या होगा एडिशन, 0000 6 6 6 प्लस 0 0 सॉरी 6, और 6 और 4 10, 10 में से 0 यहाँ 1 कैरी, 1 प्लस 4 5 5 प्लस 5 10 10 और 1 11, 1 यहाँ पे 1 कैरी, 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो आंसर इज 2100, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन सी, 86 इंटू 45, इन दोनों को हमें पहले स्प्लिट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखो फर्स्ट वाला नंबर है 86, उसको स्प्लिट कैसे करेंगे, 80 प्लस 6 80 प्लस 6, और 45 को 40 प्लस 5, ये हो गए इसके एक्सपांडेड फॉर्म। अब हमें बॉक्स ड्रॉ करना है, अब देखो 80 यहाँ पे, 6 यहाँ, 40 यहाँ, 5 यहाँ, ओके। अब देखो 40 इंटू 80 क्या आएगा आंसर, 0 0, 2 0 आ गए, 4 8 जा 32। अब यहाँ पे देखो 80 है, यहाँ पे 5 है, दैट इज 80 इंटू 5, क्या आएगा आंसर, 500 8 5 जा 40। नेक्स्ट इज 40 है, यहाँ पे 6 है, 40 इंटू 6, क्या आएगा आंसर, 6 इंटू 0 दैट इज 0, 6 4 जा 24। नाउ 5 एंड 6 दैट इज 6 इंटू 5, क्या आएगा आंसर, 6 5 जा 30। अब हमें क्या करना है, इन चारों आंसर्स को ऐड करना है, 3200, उसके बाद 400 प्लस 240 प्लस 300, क्या आएगा आंसर, 0000 004 प्लस 3 दैट इज 7, 2 प्लस 4 6 6 प्लस 2
दैट इज 8 एंड 3 एज इट इज. सो आंसर क्या आया हमारा 3870. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन डी. सी व्हाट हियर, यहां पे क्या है देखो 132 इंटू 61. अब देखो यहां पे थ्री डिजिट नंबर है और उसको स्प्लिट करना है हमें, एक्सपान कर होगा. देखो 132 उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगा 100 प्लस 30 प्लस 2 और 61 का 60 प्लस 1. बॉक्स ड्रॉ करो. अब देखो 132 के एक्सपेंडेड फॉर्म में थ्री नंबर्स आए तो हमें थ्री कॉलम बनाने होंगे और 61 के टू कॉलम है यानी टू रोज. अब देखो यहाँ पे 61 का 60 और 1 और यहाँ पे 100 30 और 2. अब देखो 60 इंटू 100 इंटू 60 क्या आएगा आंसर 0 0 0, 6 1 6 क्या आया 6000. नेक्स्ट इज 101 100 इंटू 1 दैट इज 100 101 100. 30 इंटू 60 आंसर क्या आएगा 0 0 6 3 18 क्या आया आंसर 1800. अब देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 60 है 60 इंटू 2 आंसर क्या आएगा 200 2 6 12 120. अब यहाँ पे देखो 30 है यहाँ पे 1 है 30 इंटू 1 दैट इज 30 1 और 2 2 इंटू 1 क्या आएगा यहाँ पे 2 1 2. अब इन एडिशंस इन मल्टीप्लीकेशंस को हमें ऐड करना है तो देखो 6000 1800 100 132 इन सब की एडिशन करनी है 0 0 0 0 2 यानी 2 0 0 0 3 आ गया 3 0 plus 8 8 8 plus 1 9 6 plus 1 7. सो आंसर इज 7932. क्या आया आंसर 7932. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ अ पर्सन अर्न्स 73 रुपीज अ डे. देखो एक व्यक्ति है वो हर दिन 73 रुपीज कमाता है एक दिन में. फाइंड हाउ मच ही अर्न्स इन. आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, 7 डेज में कितने कमाता है वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद 6 वीक्स में कितने कमाता है, उसके बाद 89 डेज में कितने कमाता है, उसके बाद 17 वीक्स में कितने कमाता है. पहले हम 7 डेज का निकालेंगे, एक दिन में 73 रुपीज कमाता है तो 7 डेज में कितने कमाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा 73 एंड 7 इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी होगी. सो 73 इंटू 7 क्या आएगा देखो 7 3 21 1 यहाँ पे 2 कैरी 7 7 49 और 2 52
वन। तो 7 days में वो कितने रुपए कमाता है? अरे 511 इतने रुपए वो कमाता है 7 days यानी एक वीक। अब देखो 7 days यानी एक वीक, तो 6 week में कितने कमाता है? तो ये कितने हुए? एक वीक के हुए। तो इसकी हिसाब से 7 week में कितने कमाता है? तो आपको क्या करना होगा, 511 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लीकेशन, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30। तो वो 6 week में आर्यस 3066 इतने रुपए वो कमाता है। ओके, अब देखो सी वाला क्या करेंगे हम, 89 डेज के निकालने हैं हमें। तो अब देखो क्या करना होगा, एक दिन में 73 रुपीज कमाता है, तो उसकी हिसाब से 89 डेज हमें निकालना है। तो क्या करना होगा, 73 और 89 इनकी मल्टीप्लीकेशन हमें करनी होगी। तो देखो 89 × 73 इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्या आएगा? देखो पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है 89 को, बाद में 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या आएगा, 3 × 9 = 27, 7 यहाँ 2 कैरी, 3 × 8 = 24 और 2 = 26। ओके, अब 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 × 9 = कितने, 63, 3 यहां पे 6 कैरी, 7 × 8 = 56, 56 और 6 कितने होंगे, 62। अब क्या करना है, ऐड करना है इनको, 7 as it is, 6 or 3, 9, 2 or 2, 4, 6 as it is। तो क्या आएगा, 89 डेज में वो कितने रुपए कमाता है, 6497 रुपीज। अब हमें क्या करना है, 17 वीक का निकालना है। अब पहले देखो 7 days यानी एक वीक, तो हमने एक वीक का निकाला है, एक वीक में वो 511 रुपीज कमाता है, अर्न करता है। तो उसकी हिसाब से हमें 17 वीक का निकालना है। तो क्या करना होगा, 511 को 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करेंगे मल्टीप्लाई, 511 × 17, सो करो 17 से मल्टीप्लाई, पहले 1 से कर लेते हैं, सॉरी 7 से, बाद में 1 से, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1 और 1 × 5 = 5, इनके एडिशन कर लेते हैं, क्या आएगा, 7 as it is, 7 + 1 = 8, 5 + 1 = 6 और 3 + 5 क्या आएगा, 8। सो आंसर क्या आया, आर्यस 8687 इतने रुपए वो 17 वीक में कमाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो तो इस तरह से हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।